आई होप आप सब ठीक हो गए और आज एक नए व्लॉग के साथ। आज डेट है 21 मई और जुम्मे का दिन है। अभी अभी सुबह उठा था मैं, बस नाश्ता लेने जा रहा हूँ, वो आके फिर तैयार होंगे। और जो आज हमारा गिफ्ट आया है दराज से, उसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा। ओके, तो मेरे साथ साथ रहो, सीन बड़े लेवल है। अब हम खाना खा गए, फुल रेडी हो गए। अभी ये रेडी हुआ, मैं हूँगा, हम तैयार होकर बैठ गए। अभी जो कल मेरा वो आया था, पैकेज आया था दराज से, आज यार उसकी ओपनिंग करते हैं, तो आपको उसके सीन दिखाते हैं कि अरे क्या क्या मंगवाया। मेरे साथ बने रहो बस वीडियो में। आओ, जो मैंने मंगवाई थी, एक तो है बोया का माइक, ये आप देख सकते हो, और एक ये चीज़ है। अभी इसको मैंने खोला नहीं है, ये बहुत बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि ये बहुत देर कर ही जा रहे हैं। ये तो मुझे बहावलपुर से मिल गया था, ये मैंने आज निकल बल के ले लिया था। और ये जो है, ये मुझे कराची से मंगवाना पड़ा है। ये भी मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है, तो आप मेरे साथ वीडियो बने रहो। ये आप देख सकते हो बोया का माइक है, और इसको ओपन करते हैं। वैसे मैंने ये ओपन करके देखा हुआ है, अब आपको दिखा रहा हूँ मैं। ओ शिट, कर ये है बोया का डबल M1 माइक। ये इस तरह से फ्लफी सा होता है ये माइक। साथ कुछ एक्सेसरीज है जो मैं बाद में दिखाता हूँ आप। ये भी एक बहुत अहम चीज़ है, ये यहाँ से मिल नहीं रही थी, तो ये मुझे बाहर से लेनी पड़ी है। दरअसल ये जो है, ये माइक के लिए, ये फ़ोन के लिए माइक होल्डर, ये फ़ोन के लिए एक माइक होल्डर काम करता है। क्योंकि जो सादा होते हैं ना, जो सादा होता है उसके ऊपर ना, ये देखो इस तरह से होता है, उसके ऊपर वो माइक लग नहीं सकता। ये देखो इसके ऊपर एक स्पेशल ये माउंट बना हुआ है, जिसके अंदर जो है माइक का ये जो हैंडल है, ये इस तरह से फिक्स हो जाता है और यहाँ माइक माउंट हो जाता है। इसलिए ये आसानी है बड़ी। मैं आपको अभी फिक्स करके देता हूँ, फिक्स करके फिर। हाँ, तो ये बनने के बाद यार ये कुछ ऐसा लगता है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है ये अभी मैंने जो आप माउंट दिखाया था, वो इस तरह से फिक्स हो जाता है ये इस ट्राईपॉड के ऊपर। ये देखो, ये कुछ इस तरह से, ये देखो, ये फिक्स हो चुका है नट के साथ और ये ट्राईपॉड में लग गया। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है यार, क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। इसके साथ ये माइक के लिए था, क्योंकि फ़ोन के साथ होल्डर नहीं आता, सादा होल्डर आता है। और ये जो माइक है, ये DSLR पर लगते हैं, तो फ़ोन पे लगाने के लिए हमें अलग से होल्डर लेना पड़ता है। इसके साथ एक मुझे एक कर्वी, इस तरह से कर्वी सी एक ये केबल मिली है, और इसके साथ मुझे एक ये वाली केबल भी मिली है, ये स्ट्रेट वाली। इसके साथ एक पाउच मिला माइक के साथ, माइक को रखने के लिए। तो माइक की क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, अब आपको मैं इसकी क्वालिटी सुनाता हूँ। तो अब ये जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो, वो इस बोया के माइक की है। तो आपने मुझे बताना है कि ये किस तरह की क्वालिटी है, क्या मुझे इसी से बनाना चाहिए या फ़ोन की साउंड ही बेहतर है। फ़ोन की भी बेहतर है, लेकिन ना इसका ये है कि ना आस पास की आवाज़ नहीं आती इसमें, साफ साफ आवाज़ आती है इसमें। और ये थोड़ा देखने में भी लश पश लगता है, लगता है कि बंदा कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए लाइक कर दो, बड़ी महंगी मिली है। लाइक करें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ। तो गाइस वीडियो ये बता, तो अब करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो फिलहाल हम बैठे रहेंगे ऐसे ही कुछ। चुस्त कुछ करते रहेंगे, तो आप हम ऐसे अब देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी। तो अब मैं जो है क्या नाम आता है, थोड़ी देर कंप्यूटर पर बैठूंगा, कुछ वीडियोज वगैरह ऐसे देखूंगा, एडिटिंग कर लूँगा थोड़ी देर। इसके बाद अभी जोहर का नमाज़ का टाइम होने वाला है, सॉरी आज तो जुम्मा है, जुम्मा नमाज़ का टाइम होने वाला है। तो टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं ज़रा अपने कपड़े शपड़े तैयार करता हूँ, फिर मुझे नहाना है और जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है। जुम्मे की नमाज़ के बाद का बहुत अच्छा सीन है, क्योंकि हम कब्रिस्तान जाते हैं, तो वहाँ आपको दिखाऊँगा क्या करते हैं। तो मेरे साथ बने रहो। ओके, अब मिलते हैं जुम्मे की नमाज़ के बाद। ओके, बाय। उसका वक्त हो गया, अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ असर की, और इसके बाद वही रूटीन के कुरान पढ़ेंगे और फिर मगरिब तक, और फिर शायद पाकिस्तान भी जाएँ, तो फिर वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। है जो कुरान पढ़ने का टाइम है, ये पढ़ा बैठ के अपना
तो आप इसके बाद थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान चलते हैं, फिर वहाँ के सीन देखें। ओके, कब्रिस्तान और वहाँ के सीन। यहाँ से हम निकलने वाले हैं कब्रिस्तान, क्योंकि हमने नमाज पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ लिया है। अब यहाँ से जाएंगे सीधा कब्रिस्तान नाना बोगी कब्र पे, और वहाँ पे जो करेंगे वो दिखाऊंगा मैं आपको। मेरे साथ बने रहो यार वीडियो में। शायद कोई यूट्यूबर को भी सुनने के जाता है, हम पहले यूट्यूबर जरूरी है, अगर मुसलमान हो तो ज़रूरी है कब्रिस्तान। ठीक है, तो हम आपको व्यू भी दिखाते हैं रास्ते में। तो गाइस चलें, लेट्स डू इट। इधर फातिया करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर एक कज़न के घर जाऊंगा, वहाँ बताऊंगा फिर आपको क्या करना है। आप क्या करके फिर मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ। ओके, एंड क्योंकि कुछ साथ होते हैं हमारे पास दिखाने के लिए, तो बस लाइक करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें आप इसके चैनल में। ठीक है, लिंक डालिए, मुझे आ गई है, लिंक आ जाएगी इसके चैनल की भी, लिंक आ जाएगा, मुझे आ गई है डालिए। और बाकी यार आगे के बड़े मस्त ब्लॉग आने वाले हैं, आज का आपने ब्लॉग मिस नहीं करना, और मुझे बताना है किस किस को मेरा जो गिफ्ट है वो अच्छा लगा, गियर जो मैंने बनाया आज सेटअप, तो यार वो बताना है आपने कमेंट्स में। ओके बाय।